मंदिर चल रहा है। घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। पूरा ही इसको मजा आ रहा है। भैया राधे राधे। क्रियांश भाग गया। आओ क्रियांश। भाग गया वो मंदिर जाएगा। तो फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया कंप्लीट। तो हम लोग हैं जी अभी एक पार्किंग स्टैंड में और अभी आप देख सकते हैं हम बैठे हुए टोटो में। बात क्या है कि जिधर हमारा होटल का रास्ता वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है होटल में, लेकिन वहाँ से जो है जाने की अनुमति नहीं है, बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस को लाख रिक्वेस्ट किए नहीं मिला। जो भी अधिकारी लोग थे उनको तो मिल रहा था वहाँ से पैसे जाने का, लेकिन सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं था। तो क्या कर सकते थे, तो फिर आए और अब जो है टोटो को सारा सामान रखेंगे और गाड़ी को जो है पार्किंग में लगा दिया। तपस्या कर रहे हैं। तो अभी तक जो है किसी भी निश्चित जगह जो है रुक नहीं पाए हैं। वैसे आ जाएंगे और सबसे पहले सोएंगे 3-4 घंटे, उसके बाद ही कुछ काम किया जाएगा और कुछ घूमा जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करेंगे ना। हाँ ठीक है, क्रियांश भी बोल रहा है ऐसा ही करना है। तो फाइनली जी हम लोग पहुंचते हैं वृंदावन और हमारा जो होटल है ठीक प्रेम मंदिर के सामने है। और अभी प्रेम मंदिर के सामने का जो रोड है वहीं पर हम लोग टहल रहे हैं, तो पीछे देख सकते हैं वहाँ खूबसूरत सा प्रेम मंदिर है। और हम लोग यहाँ से चल रहे हैं होटल, और होटल में जो है दिया सब जो है पहले शिफ्ट हो चुकी है। अभी हम लोग आए हुए थे बाहर थोड़ा सा कैश निकालने के लिए, क्योंकि कैश की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। और हमारा कैश का तो ऐसे बहुत, अब पॉकेट में मेरे पास वही 100 रुपया नीचे बचा होगा। और हम तो 0 रुपया लेकर के आए हुए थे, ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन अब जो है काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिनसे भी मदद ले रहे थे उन्हीं का पॉकेट खाली हो गया। तो ATM खोजना होगा हम लोगों को। तो ATM में जा रहे हैं और ATM में पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमको लगता है इतना भीड़ है, इतना लोग कैश विड्रॉ करता होगा, ATM में कैश भी बसता होगा। ATM ऑन होगा आगे देखते हैं, शाम को चलेंगे गाड़ी लाने के लिए, वहीं देखते हैं। तो यह हमारा होटल है जी, होटल अनामसा। इसको ढूंढने में जो है काफी मशक्कत हुई। बात क्या था कि यहाँ पर लोग इसको जान भी नहीं रहे थे इस होटल के बारे में, जब पूछ रहे थे लोगों से। तो चलते हैं जी सीधा रूम के अंदर। ये हमारा रूम और देख सकते हैं यह रूम जो है एक डिसेंट सा है, प्राइस भले थोड़ा सा ज्यादा लगा हो, लेकिन है कि लोकेशन बहुत अच्छा है, प्रेम मंदिर के ठीक सामने। और क्रियांश भी कर रहा है और क्रियांश के बगल में ही राधे राधे का टी शर्ट, उसे भी क्रियांश जो है राधे राधे करता रहता है ना, आज घुस गया है राधे की नगरी में ही। ठीक है, ये मेरा अलग। तो हम लोगों का मन्नत था और आज जो है मन्नत कह सकते हैं कि पूरा हुआ, हम लोग इस नगरी में आ गए। हाँ दर्शन करेंगे तब, तो वही मांगा था हमने इस लड्डू गोपाल को। उसे सुने कि मंडे से रस कम रहेगा, शायद पानी आया होगा, तो देखते हैं देना भैया। अच्छा ये तो फाइनली हमारा यहाँ पे खाना आ चुका है। क्या चे खाओगे नंदू पंदू? खाना तो काफी अच्छा है। तो यहाँ सभी लोग जी तैयार हो गए हैं और भोलू जो है अपना राधे राधे वाला, तो राधे राधे वाला जो है शर्ट भी लेते आया है और अपना पहली, और क्रियांश को भी तैयार कर दिया। तो मामा भांजा एक सेट में है और हम चल रहे हैं। मेरा लड्डू गोपाल है, इसलिए ये लड्डू गोपाल है। तो यहाँ से प्रेम मंदिर जी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो ज्यादा दूर है नहीं। तो ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग चप्पल जो है यहीं पर खोल लेंगे और यहाँ से नंगे पांव ही मंदिर चलेंगे। तो अभी चल रहे थे मंदिर और अपने होटल से जो निकल रहे थे, मालूम चला हमारे पास के शहर पूर्णिया से भी आई हुई है यहाँ पर, और मालूम चला कि अपनी सब्सक्राइबर भी है। तो काफी अच्छा लगा मिलकर। अच्छा दिल्ली में थे, कल नहीं आई, अच्छा किए, बहुत भीड़ था। अब कल हम लोग रहे हैं क्या कहते हैं हॉल में रुके हैं, उसमें 2500 रुपया, तो रूम भी नहीं मिला था हम लोगों को। हाँ हाँ अंकुश सक्सेना का गोद भराई में। हाँ हाँ वही सभी लोग हैं, तो इंतजार कर रही है। ठीक है चलते हैं, मिलते हैं आपको। मंदिर चल रहा है प्रेम मंदिर। हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं जी और हम लोग जा रहे हैं अभी एंट्रेंस के पास। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल है, काफी अच्छा लग रहा है और क्रियांश भी बहुत खुश है। हाँ और जी आपने लड्डू गोपाल को भी साथ में लेकर के जा रही है। भी लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं। हाँ मेरा लड्डू गोपाल। हाँ लड्डू गोपाल तो हम पहुंच गए जी प्रेम मंदिर के अंदर और देख सकते हैं इधर का कुछ ऐसा नजारा है, खूब सारे लोग आए हुए हैं, एकदम भरा हुआ है, खचाखच पूरा मंदिर। ओए हाँ
और क्रियांश को भी मजा आ रहा है। भीड़ जो है काफी संख्या में है और राधे राधे का यहाँ जो है हमने भी लगवा लिया है अपने चेहरे पर, अपने ललाट पर और सभी जगह, और क्रियांश भी, क्रियांश तो अपने एक गाल का मीठा भी लिया है। अपना उड़ा लिया, फिर मेरा कोशिश कर रहा था उड़ा लिया। तो मेरे गाल पर नहीं रहेगा तो मामा गाल पर कैसे रहेगा, ये बोल रहा है। अब ये पापा के पास आएगा। सभी लोगों को देख रहे हैं वहाँ चबूतरे पर है, तो हम लोग सोच रहे हैं वहीं पर जाया जाए, वहाँ से और अच्छा सा नज़ारा मिले उसका। ये मंदिर की साफ सफाई का कितने अच्छे से ध्यान रखा गया है, आपको मंदिर का एक एक चप्पा चप्पा साफ मिलेगा। और कहीं कहीं कुछ कुछ लोग है प्लास्टिक फेंक ही देते हैं, और उस साइड भी देख सकते हैं चप्पल जूता सब जो है अच्छे से लगा हुआ है। हम लोग अच्छा किया कि जो अपना होटल में ही रख दिए चप्पल जूता, वरना यहाँ पर हो सकता है मंदिर आए हैं तो मंदिर में क्यों, घर पे ही छोड़ के आएंगे चप्पल जूता। सही बात है। उसे जिया और वो, अच्छा जिया उधर है, हम सोचे कि इधर चले गए वो लोग, जिया और मम्मी जी उनके भटकने का डर है, वो लोग हम लोग को खोज रहे हैं, वो लोग इधर ही, हम लोग चिंता मत करो, देख रहे तुम लोगों को। देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत सा नजारा है, एक फाउंटेन नजर आ रहा है हमें, घूम करके देखते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो ये शायद फाउंटेन उस समय नहीं था। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओए तो हमारे कन्हैया जी राधे राधे, हमारा जो कन्हैया लाल है यहाँ पर एक पीछे, तो इस कन्हैया लाल एक यहाँ भी है, तो हम लोग चलते हैं उधर। साहब जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर, भीड़ का कहा नहीं जा सकता कि कितनी संख्या में भीड़ होगी यहाँ पर, पैर रखने का जगह नहीं है। और यहाँ जो है अभी ऑफ सीजन है, सोचिए जब जन्माष्टमी होगा होली होगा तो उस समय कैसा भीड़ होगा इस साइड। यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो जिया के साथ अपना सेल्फी ले रहे हैं। जिया साथ साथ ही चलो। हेलो। तो यहाँ पर अपने कुछ सब्सक्राइबर मिल गए जी, क्या नाम हुआ आपका? रवीना अग्रवाल। चलिए जी अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपका? शालू जी स्वागत है आपका वृंदावन में। धक्का मुक्की नहीं, आराम से, धक्का मुक्की नहीं करता, धक्का मुक्की ही कर रहा है ये। पापा तो बहुत धक्का मारता है, सिर्फ आपको धक्का मारता है ये। तो चल रहे हैं जी यहाँ से मंदिर, और देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है प्रेम मंदिर का। ओ भाई साहब मजा आ गया। शाम के समय हम लोग नहीं आए हुए थे और इस बार शाम के वक्त आए तो यहाँ मंदिर जो है और भी खूबसूरत लग रहा है। हम लोग पिछली बार सुबह आए थे ना। बैठना है तो ठीक है, बैठ जाते हैं। एकदम भक्तिमय माहौल है यहाँ का और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ। सबसे अच्छा अट्रैक्शन है जी वह झूमर, बहुत ही बड़ा जैसा झूमर है, एकदम चार चार लगा दे रहा है इस मंदिर में।
लोग यहाँ से जा रहे हैं जी, और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। मोनू उसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, कंधे पर रख लिया है, इस वजह से जो है क्रियांश को दिक्कत नहीं आ रही है। पूरा ही इसको मजा आ रहा है। भैया राधे 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 देखिए मेरा बेटा कितना डांस कर रहा है। ये भी बोल रहा है राधे राधे अपने भाषा। क्रियांश भाग गया, आओ क्रियांश भाग गया, वो मंदिर जाएगा अकेले, आप लोग के साथ नहीं जाएगा। मंदिर घूम लिए हैं और अंधा कस्ट घूम लिए, और क्रियांश जो है खूब इंजॉय किया यहाँ पर, सबसे ज्यादा इंजॉय किया है। और यहाँ पर कुछ देर देर संगमरमर पर हम लोग बैठ गए, क्रियांश को खेलने का पर्याप्त मौका मिला। तो बस ये जाएगा फिर पापा के पास। लोग मंदिर से निकल रहे थे लेकिन सोचे कि पहले जो सामने जो व्यू है वो भी एक ले करके जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे काफी अच्छा लगा था यहाँ करके। तो एक बार फिर से आते हैं, मम्मी को, मोलू को, क्रियांश को, इन सभी को भी दिखा देते हैं कि कैसा नजारा है। लास्ट टाइम देखे थे कितना थी यहाँ पर, कैसे लाठी से गोवर्धन उठा दिए, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। चलो चलो तो फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया कंप्लीट, और इधर देख सकते हैं आप सब चल रहे हैं जी, और हमारा जो लड्डू गोपाल है खूब बदमाशी कर रहा है, पापा का शर्ट खूब काट रहे हैं, कभी चश्मा खोलता है कभी कुछ करता है, और मेरे लड्डू गोपाल का तो पूरा ड्रेस व्रेस उसे निकाल दिया था, तो फिर मैंने उनको दे दिया। तो अब चल रहे हैं जी अपने होटल की तरफ, और काफी अच्छा लगा यहाँ करके, एकदम पूरा भक्ति भय भरा माहौल। और ये जो है अपने लड्डू गोपाल है, अपने पूरे नटखट वाले रूप में है, और नटखट इसका जो है कम नहीं हो रहा है। और अपना चश्मा जो है हम उतार लिए, क्योंकि चश्मा पर लगातार अटैक किया जा रहा था, उसके बाद चश्मा नहीं मिला तो फिर मेरा उंगली मिल गया, उसी को खा रहा था ये चश्मा, इसके पाँव से दूर यहाँ आ चुका है।